हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल अभी हो रहा है 8:30। हम आज जाने वाले थे, आज का जो प्लान था जो हम जाने वाले थे नीलगिरी बावड़ा यात्रा के लिए, लेकिन आज नीलगिरी में बावड़ा यात्रा नहीं होगा, वो कल होगा। इसीलिए हम आज जाएंगे दीघी जगन्नाथ टेम्पल, जो पड़ता है बालेश्वर और भद्रक के बीच में पड़ता है, हमारा घर से 70 किलोमीटर की दूरी पर। इसीलिए हम जल्दी जल्दी निकलना चाहते हैं और जल्दी जल्दी नहा धो के रेडी हो जाते हैं और निकलते हैं। फिलहाल अभी नहा धो के रेडी हो चुके हैं और हम निकलते हैं जल्दी जल्दी। हमारे साथ भाई का सालाजी जा रहा है, ये रहा वो सालाजी, वो जल्दी जल्दी निकलने के लिए वो तो उसके साथ हम जा मेरा बेटा जा रहा है और देखते हैं जल्दी जल्दी निकलते हैं। जगन्नाथ महाप्रभु का कल तो बावड़ा यात्रा है, देखते हैं दर्शन कर पाएंगे कि नहीं। गाड़ी चलाने में बहुत एक्सपर्ट है, वो धीरे धीरे चलाएंगे क्योंकि आगे हमारा पोता और जो हमारा बेटा जो आगे बैठा हुआ है, इसलिए वो धीरे धीरे गाड़ी चलाएगा। अगर हम पहुंचने में थोड़ी देरी लगेगा, हमें देर से पहुंचेंगे। देखते हैं जगन्नाथ टेम्पल कैसा है, आपको भी दिखाएंगे। ये मैं पहली बार जा रहा हूँ वो दीघी जगन्नाथ टेम्पल, ये मेरे को पता नहीं। घर से जो दीघी जगन्नाथ टेम्पल है वो 25 या 30 किलोमीटर की दूरी पे है और हम शॉर्टकट पे निकलेंगे और यहाँ से थोड़ी हम जाएंगे मार्केट, वहाँ से शॉर्टकट पे लेंगे और जल्दी जल्दी पहुँचने की कोशिश करेंगे। बस देखिए कितना भीड़ है, ज़्यादा भीड़ भी नहीं है यहाँ पे, यह हमारा छोटा सा मार्केट है, ज़्यादा भीड़ यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं लगता। और यहाँ से जाएंगे पेट्रोल डालने के लिए, पहले पेट्रोल डालते हैं क्योंकि वो जाने के उधर जाने के लिए बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं है, इसलिए पेट्रोल पहले डालेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे लॉर्ड जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए। जमीन पूरा बंजर पड़ा हुआ है, लेकिन हमारा उस साइड में थोड़ा बहुत काम चालू हो गया खेत का, लेकिन इस साइड पानी ना होने की वजह से यहाँ मेखण मार्केट पहुंच चुके हैं और यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पे है हमारा जो टेम्पल, यहाँ से बालीखंड हॉस्पिटल पड़ता है, वो छोटा सा हॉस्पिटल। ये देखिए ये हमारा बालीखंड हॉस्पिटल है, एकदम छोटा सा ये बालीखंड मार्केट, ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है।
छोटा सा मार्केट है, और यहाँ से दिघी जगन्नाथ टेम्पल ज़्यादा दूर नहीं है, और 20 मिनट लगेगा ना, ना 10 मिनट लगेगा, और यहाँ से 10 मिनट लगेगा, और साला जी बोल रहे हैं कि 10 मिनट लगेगा यहाँ से, 3-4 किलोमीटर दूरी पे है। हम तो एकदम तरस चुके हैं, कैसे मंदिर है दिखना है भगवान जी। फाइनली भगवान जी का दर्शन भी हो चुकी है, हम लोग नीचे आ चुके हैं, ऊपर अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको दिखा नहीं पाए कि भगवान जी का जी हाँ, यहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको दिखा नहीं पाए भगवान जी, माफ़ी चाहता हूँ आपको।
ठीक है, और नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे भगवान जी का वो रथ यात्रा काल है, इसलिए यहाँ पे तैयारी चल रही है और सजावट चल रही है ऊपर। हाँ, ये देखिए, और यहाँ पे देखिए, बिल्कुल इस मंदिर के पास में और एक मंदिर है, ये देखिए, वो लक्ष्मी जी, लक्ष्मी माता का मंदिर है, वहाँ पे चलेंगे। हाँ बाबा, बाबा पड़ी बाबा, ये देखिए कितना सुंदर बना है। कौन जूम लास्ट में जूम ना को मिला कौन ना कौन मोती वाला इतना होना है ना। ये देखिए कितना बारीकी से काम किया। ये देखिए ऊपर मंदिर है और नीचे स्टोर रूम। ये देखिए, यहाँ पे सखियाँ बना गए, यहाँ पे सखियाँ है चारों तरफ। मंदिर तो बहुत बढ़िया बना है, आप लोग आइए एक बार देखिए, बहुत सुंदर सा काम हुआ है यहाँ पे। पीछे भी एक मंदिर बन रहा है लेकिन पूरा नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए पीछे एक मंदिर बन रहा है, काम चल रहा है यहाँ पे।
भगवान जी का दर्शन हो गया है, हम अब वही निकलते हैं। बहुत अच्छा लगा भगवान जी का मिलके। लेकिन एक माफी चाहता हूँ आप लोगों को, ये आपको दिखा नहीं पाया भगवान जी यहाँ पे कैसे दिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर भगवान जी का मंदिर में मोबाइल अलाउड नहीं था, इसलिए आपको दिखा नहीं पाए। फिलहाल अभी हम घर चलते हैं। बस भूख लगी है, जल्दी जल्दी कुछ खाते हैं। देखिए हमारा बड़ा बेटा छोटा बेटा कितना प्यार बेटा है। फिलहाल एडिटिंग स्टार्ट करते हैं, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।